हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गैस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपका गेम प्ले भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो गैस मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पे एक और नए वीडियो के साथ, और बेसिकली आज के वीडियो एक कॉम्पेरिजन वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं M1887 के न्यू गन स्किन को M1887 के नॉर्मल गन के साथ। और गैस हम लोग देखेंगे कि हम लोग को इन दोनों में कितना कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, यानी कि हमें जो M1887 का गन स्किन है उसके अंदर और नॉर्मल गन के अंदर हमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। अगर आप लोग ये वाला वीडियो पूरा देखते हैं तो आप लोग को कुछ समझ में आ जाएगा M1887 के इस नए गन स्किन के बारे में, कि आप लोग के लिए वाला गन स्किन सही रहेगा या नहीं रहेगा। सो गाइस, ये मेरा वीडियो अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास में एक बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, इंट्रो के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा इस गन स्किन के एबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस गन स्किन के अंदर हमें डैमेज सिंगल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, इस गन स्किन के अंदर हमें रिलोड स्पीड डबल प्लस देखने के लिए मिल जाता है, और वहीं पर हमें इसके अंदर मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस देखने के लिए मिल जाता है। फ्रेंड्स, सेम ऐसा ही एबिलिटी हमें वन पंच मैन वाले गन स्किन के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वन पंच मैन के साथ इस गन स्किन का अगर कंपैरिजन देखना हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं अपना अगला वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस गन स्किन के डैमेज के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि विदाउट वेस्ट डैमेज दे रहा है ये वाला गन स्किन 12 का 13 का और 16 17 18 का डैमेज दे रहा है। तो डैमेज इसका ठीक ठाक ही है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं है। वहीं पे मैं अगर बात करूं M1887 के नॉर्मल गन के डैमेज का, तो गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि नॉर्मल गन भी एनिमी के ऊपर डैमेज दे रहा है, मतलब 12 का डैमेज दे रहा है और 16-17 का डैमेज दे रहा है, जबकि M1887 का ये नया वाला गन स्किन 16-17 और 18 का डैमेज दे रहा था और नॉर्मल गन स्किन 17 का डैमेज दे रहा है। सो गैस इन दोनों गन मतलब स्किन के साथ और विदाउट स्किन, इन दोनों में आप लोग को इन दोनों के डैमेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विदाउट स्किन डैमेज दे रहा है 17 का और स्किन के साथ डैमेज दे रहा है 18 का, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस आप लोग को स्किन के साथ थोड़ा सा मतलब एक ज़्यादा डैमेज देखने के लिए मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे डैमेज के मामले में इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो देखने के लिए नहीं मिलता है। नॉर्मल गन डैमेज दे रहा है 17 का और गन स्किन के साथ डैमेज दे रहा है 18 का, तो बस एक नंबर का मतलब कमी है। अगर एक नंबर भी मतलब 18 का डैमेज देता तो दोनों का डैमेज मतलब सेम ही रहता। सो गाइस, मैं तो बोलूँगा यार डैमेज के मामले में दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम छोटा सा डिफरेंस है। मान लीजिए अगर आप लोग स्किन के साथ लेवल 2 के वेस्ट के ऊपर फायर करते हैं तो स्किन के साथ लेवल 2 का वेस्ट 2 गोली में टूट जाएगा, और नॉर्मल गन से अगर आप लोग फायर करते हैं तो नॉर्मल गन से भी 2 गोली में लेवल 2 का वेस्ट टूट जाएगा। वहीं पे मैं अगर बात करूँ लेवल 3 के ऊपर होने वाले डैमेज का या लेवल 4 के वेस्ट के ऊपर होने वाले डैमेज का, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब जो स्किन के साथ अगर डैमेज करते हैं आप लोग किसी लेवल 3 वेस्ट वाले एनिमी के ऊपर या लेवल 4 वेस्ट वाले एनिमी के ऊपर, तो वहाँ पर मतलब 4 गोली में लेवल 3 या लेवल 4 का वेस्ट टूट जाएगा, और नॉर्मल गन के साथ भी 4 गोली में लेवल 3 का वेस्ट या लेवल 4 का वेस्ट टूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया इस गन स्किन के डैमेज के बाद, और अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस गन स्किन के रेट ऑफ फायर के बारे में। तो गाइस इन दोनों मतलब स्किन के अंदर और विदाउट स्किन के अंदर दोनों के अंदर आप लोग को रेट ऑफ फायर सेम देखने के लिए मिलता है, ना ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ना कम देखने के लिए मिलता है, मतलब नॉर्मल ही रेट ऑफ फायर है, ना ज़्यादा है ना कम है। लेकिन स्किन के अंदर आप लोग को एक चीज़ बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है, वो इसका रिलोड स्पीड, क्योंकि फ्रेंड्स 2 गोली वाले के अंदर रिलोड स्पीड डबल होना यार बहुत ही अच्छा बात है। तो फ्रेंड्स, मैं अगर साथ में बोलूं तो मुझे यार इस गन स्किन के अंदर सिर्फ इस गन स्किन का रिलोड स्पीड ही यार बहुत ही अच्छा लगा, बाद बाकी इसका डैमेज मतलब नॉर्मल ही है, ज़्यादा भी नहीं है। और इस गन स्किन का जो मूवमेंट स्पीड है यार माइनस होना, वो एक बहुत ही बड़ा माइनस पॉइंट है इस गन स्किन का, क्योंकि अगर आप लोग इस गन स्किन को अगर हाथ में लेके दौड़ते हैं तो आप लोग का दौड़ने का स्पीड मतलब थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसके वजह से आप लोग को फाइट के बीच में हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, कि मतलब ज़्यादा मूवमेंट आप लोग बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाइएगा फाइट के बीच में, आप लोग को मतलब मूवमेंट थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। पर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका मूवमेंट स्पीड स्लो होना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात है नहीं, क्योंकि अगर आप लोग चाहें तो इसके मूवमेंट स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर आप लोग कैरोलिन कैरेक्टर को यूज़ करके अगर इस गन स्किन को आप लोग यूज़ करते हैं तो इसका मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं तो आप लोग को यही बोलूँगा, अगर आप लोग दो बैरल यूजर है, अगर आप लोग के पास दो गोली वाले का अगर कोई अच्छा गन स्किन नहीं है तो फ्रेंड्स आप लोग ये वाला गन स्किन जरूर ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को डैमेज भी ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल जाता है, प्लस इसके अंदर आप लोग को रीलोड स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को गन स्किन और विदाउट गन स्किन इन दोनों के बीच का अंतर आप लोग को पता चल गया होगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके पास में एक बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस करके उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा, और गाइस मेरे चैनल को भी सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल को भी आप लोग के सपोर्ट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोग अपने अगले वीडियो में इसी तरह के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, किस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जैसे को तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सच्चाई है, ऊपर से शब्दों का चाहता है। What?